भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज की खुर्सीपार इकाई को अपना खुद का भवन मिल गया। भिलाई नगर विधायक देविंद यादव के कर कमलों से फीता यहां पर काटा गया एवं समाज की गौरवशाली गाथा को अक्षुण रखने वाली रानी अवंतीबाई लोधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज कुर्सीपार इकाई की बहुप्रतीक्षित मांग रविवार को पूरी हो गई, जब उन्हें अपना खुद का नवनिर्मित भवन प्राप्त हो गया। इस भवन का लोकार्पण भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने हाथों से फीता काटकर किया। इस भवन लोकार्पण के कार्यक्रम में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुश्री नीता लोधी भी उपस्थित हुई और दोनों ही अतिथियों ने भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज कुर्सीपार इकाई के पदाधिकारियों एवं सदस्यगणों को उनके नए भवन के लिए ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी। अपने खुद का नया भवन पाकर समाज के लोग भी काफी हर्षित नजर आ रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक देवेंद्र यादव और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुश्री नीता लोधी द्वारा भवन परिसर में मौजूद शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात लोधी समाज का गौरव बढ़ाने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई के तैलचित्र पर भी दोनों ही अतिथियों ने पुष्प अर्पित किए और समाज को एकजुट रहकर वीरांगना रानी अवंतीबाई के आदर्शों पर चलकर समाज को एक अलग पहचान दिलाने की बातें कहीं। कार्यक्रम की जानकारी समाज के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को दी है। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 60 साल से जो यहाँ के मजदूर किस्म के लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं अपना एक एक दो दो रूम में, वो कभी भी कोई भी कार्यक्रम करते थे तो हमको गली में टेंट लगा के खाना खाना पड़ता था। कोई भी छट्टी है, कोई भी और दसगात रहे, शादी है, यहाँ तक कि समाज के कोई भी अन्य मीटिंग भी रखते थे तो हम गली चौराहे में रखते थे। उस समस्या को दूर करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी नेता या किसी विधायक ने हमारे समस्या का समाधान नहीं किया था। अगर किसी ने किया है तो वो देवेंद्र यादव जी हैं, जो उन अपने कार्यकाल में जो हमको बोला और भवन एक 20x40 का जो निर्माण करके उन्होंने दिया है। और ये जो मेरे मजदूर की सर भाई हैं, वो कोई भी कार्यक्रम के लिए यहाँ पे अपना कार्यक्रम करने के लिए अपराध जगह है, जो भवन के रूप में कभी भी उसको यूज किया जा सकता है। और हम ही नहीं, स्वजाति नहीं, अन्य और कोई भी जाति के जिसको भी जरूरत पड़ेगा वो यहाँ पे अपना भवन का मतलब उपयोग कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये भवन की मांग हमारे पूरा खुर्सीपार इकाई के द्वारा विगत 2 वर्षों से था और भैया जी ने हमें आश्वासन दिया था हमारे पूरे समाज को कि आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द आप लोग को समाज के भवन प्रदान करेंगे। और ये भवन प्रदान किया भैया जी ने और 1 साल के अंदर हम लोगों को ये भवन बना के दिया। तो मैं खुर्सीपार इकाई पूरा दुर्ग भिलाई के लोधी क्षत्रिय समाज की तरफ से विधायक देवेंद्र यादव जी, सुश्री नीता लोधी जी, नीरजपाल जी और दोनों पार्षदगण को मैं खूब खूब समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। खूब खूब साधुवाद। फिलहाल भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज कुर्सीपार इकाई शासन प्रशासन का धन्यवाद कर रहा है कि उन्हें नए भवन के रूप में उनकी पहचान प्राप्त हो गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।